माइक्रोफोन ऑन करके मैं अभी जो कुछ बोलूंगा इधर जो कि ऑटोमेटिकली टाइप होगा, तभी आप देखना। ये हो गया माइक्रोफोन ऑन, राम इज अ गुड बॉय कॉमा राम लव्स टू ईट वेरी मच फुल स्टॉप। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ खाली मुंह से बोल के टाइप कर सकते हो। मतलब आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड पे कुछ टाइप ही नहीं करना पड़ेगा, आप खाली अपने मुंह से बोलोगे और आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो लिखाता जाएगा। चाहे आप चाहो तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हो, या आप कोई ब्राउजर वगैरह का सर्च बार यूज़ कर रहे हो उसमें जो कुछ आप सर्च कर रहे हो, जैसे क्रोम हो गया या आपके कंप्यूटर में जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर मिलता है, कहीं पे भी मतलब आपको टाइपिंग का काम है ना, तो पूरा पूरी आपका खाली मुंह से बोल के हो जाएगा, आपको मैनुअली जो कि है कीबोर्ड पे लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि कैसे करके आपको जो कि है मुंह से बोल के सब कुछ टाइप करना है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब आपको कुछ भी मुंह से बोल के अगर टाइप करना है इसमें तो बहुत ही आसान है, पर इधर में जो कि हम लोग का अभी कुछ खुला नहीं है जिसपे कि हम लोग जो कि टाइप कर पाएंगे, इसलिए मैं जो कि कुछ प्रोग्राम या एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं सबसे पहले नोट पैड खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं इधर मान लीजिए अपने कंप्यूटर में नोट पैड खोलता हूँ। अरे ये क्या खुल गया, नोट पैड खोलना है मुझे, नोट पैड NOTE नोट। तो ये आ गया हमारा नोट पैड। तो नोटपैड मैंने ओपन किया, अब इधर में मेरे को कुछ टाइप करना है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, पर आज मैं जो कि इसको कीबोर्ड से टाइप नहीं करूंगा, मैं मुंह से बोलकर टाइप करूंगा। ये बेसिकली आपको तब काम आएगा जबकि आपको बहुत सारा पैराग्राफ्स एंड बहुत सारा पेजेस आपको टाइप करना पड़ता है, तो आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप खाली मुंह से बोलते जाओ इधर जो कि टाइप होता जाएगा। और इसके एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी जो कि है बहुत ही परफेक्ट है, एकदम सही तरीके से जो कि टाइप करता है, यानी कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ इधर जो कि कुछ और टाइप हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे कि आपको जो कि है एकदम इनकरेक्ट टाइप का टाइप होगा, एकदम करेक्टली टाइप होता है, ठीक है? खाली इंग्लिश में मैं बोलता हूं, ठीक है? इंग्लिश में जो भी बोलता हूं इधर जो कि अच्छे से टाइप हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। पहले आपको क्या करना है, विंडोज प्लस एच क्लिक कर देना है, ठीक है? इसका शॉर्टकट है विंडोज प्लस एच। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर में स्क्रीन आ गया, इसको पहले मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है? तो गाइस इसके देख सकते हो ऊपर में एक स्क्रीन आ गया है, ये लंबा सा, ठीक है? ये वाला, तो यही वाला वो चीज है जिसमें कि आगे माइक्रोफोन दिया हुआ है। अगर ये माइक्रोफोन ऑन किया रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका टाइप होने लग जाएगा, जो भी आप मुंह से बोलोगे वो टाइप होने लग जाएगा। अभी मैंने माइक्रोफोन को ऑफ कर रखा है, तो अभी मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूं, आपको लाइव जो कि टाइप करके दिखाता हूं, ठीक? माइक्रोफोन ऑन करके मैं अभी जो कुछ बोलूंगा इधर जो कि ऑटोमेटिकली टाइप होगा, तभी आप देखना। ये हो गया माइक्रोफोन ऑन, राम इज अ गुड बॉय कॉमा राम लव्स टू ईट वेरी मच फुल स्टॉप। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो जो चीज बोला एकदम वही वही चीज जो कि इसने टाइप कर दिया है, खाली मैंने मुंह से बोला और इधर जो कि टाइप हो गया ऑटोमेटिकली। आपको खाली इधर माइक ऑन करना है और आपको खाली बोलना है और ऑटोमेटिकली टाइप होगा। इधर देखो मैंने बोला था राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय एग्जैक्टली टाइप हो गया। उसके बाद बोला मैंने कॉमा, तो ये नहीं कि आपको COMMA लिखा हुआ आएगा, वैसा कुछ नहीं है। आपको जो कि इधर कॉमा का एक जो साइन रहता है वो लग गया कॉमा। उसके बाद मैंने बोला राम लव्स टू ईट वेरी मच, तो इधर जो कि राम लव्स टू ईट वेरी मच लिखा गया। और उसके बाद मैंने फुल स्टॉप बोला था, इधर फुल स्टॉप भी लग गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। आप जरूरी नहीं इसे नोटपैड पे ही यूज करोगे, आप जो कि और भी जो भी एप्लीकेशन होता है आपके कंप्यूटर में जहां पे भी आपको टाइपिंग का इस्तेमाल करना होता है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यहां तक कि आप चाहो तो अपने गूगल क्रोम में जो कि है सर्च बार में भी कुछ सर्च करने के लिए आप इससे यूज कर सकते हो। आपको खाली मुंह से बोलना है और ये जो कि है ऑटोमेटिकली उधर टाइप होने लग जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर दे देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।